अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये कहावत आपको इस वीडियो में सही होती नजर आएगी। और भारत से भिड़ना किसी देश को कितना महंगा साबित हो सकता है ये भी आप इस वीडियो में देख पाएंगे। आप ये तो जानते ही होंगे कि चीन और अमेरिका जैसे विकसित देश अक्सर व्यापार युद्ध के माध्यम से एक दूसरे को चुनौतियां देते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से चीन अमेरिका में व्यापार युद्ध ने तेजी पकड़ ली है। अब भारत ने भी व्यापार युद्ध की नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया है। बीते दिनों जब मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने भारत के विरुद्ध बगावती सुर लगाए थे, तो भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धारदार कूटनीति के जरिए बिना कुछ कहे ही मलेशिया को ऐसा सबक सिखाया है कि वो स्वयं घुटने टेकने पर विवश हो गया है। मलेशियाई प्रधानमंत्री के भारत के विरुद्ध दिए गए बयान से क्रोधित हुए भारतीय व्यापारियों ने इसके विरोध में मलेशिया से पाम ऑयल लेना बंद कर दिया या तो उसे बहुत ही कम कर दिया। जिस पर चिढ़े हुए मलेशियाई प्रधानमंत्री ने भारत पर एक और कटाक्ष करते हुए कहा था कि भारत भी मलेशिया को अपना सामान निर्यात करता है, दोनों देशों के बीच व्यापार एक तरफा नहीं है। अपने इस बयान के बाद से ही महातिर को भारत के व्यापारियों से ही नहीं अपितु अपने स्वयं के देश मलेशिया के व्यापारियों की निंदा का शिकार होना पड़ा। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद की चौतरफा आलोचना ने उन्हें मीठी वाणी बोलने पर विवश कर दिया है। मलेशियाई व्यापार में बढ़ती गिरावट और आर्थिक विकास में कटौती देखते हुए महातिर ने एक नया बयान दिया है, जिसमें उन्होंने भारत के साथ अपने संबंधों और कुछ समय से व्यापार में आ रही परेशानियों को कूटनीति से सुलझाने की बात कही है। महातिर ने यह भी कहा है कि मलेशिया से तेल आयात ना करना भारतीय व्यापारियों का निजी निर्णय है, इसलिए वे इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। वहीं नाराज भारत को मनाने के लिए मलेशिया भारत को नए नए ऑफर देने में लगा हुआ है। इसी के चलते वो भारत से चीनी और भैंस के मांस में आयात बढ़ाने की योजना बना रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत मलेशिया के पाम ऑयल निर्यात में एक बड़ी भागीदारी निभा रहा है, साथ ही भारत इसका शीर्ष खरीदार भी है। भारत के निर्यात में कटौती करना मलेशिया के लिए चिंता की बात है, क्योंकि भारत प्रतिवर्ष मलेशिया से लगभग 40 लाख मेट्रिक टन तेल का आयात करता है। इतना ही नहीं, भारत मलेशिया के पाम ऑयल के कुल निर्यात का 15% खरीदार है, जबकि चीन और पाकिस्तान मिलकर भी मलेशिया से सिर्फ 2.4 मेट्रिक टन पाम ऑयल की खरीदारी करते हैं। वहीं जनवरी से सितंबर के बीच भारत ने मलेशिया से लगभग 39 लाख टन पाम ऑयल का आयात किया था, जिसका मूल्य लगभग $2 अरब था। सितंबर महीने में मलेशिया से पाम ऑयल की खरीदारी में 30% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह पाम ऑयल पर 5% की सेफगार्ड ड्यूटी को बताया जा रहा है। वैसे हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि भारत सरकार ने मलेशिया के ऑफर पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं भारतीय व्यापारियों ने देश के खाने के तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए मलेशिया की जगह इंडोनेशिया से पाम ऑयल की खरीदारी बढ़ा दी है। और यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया भर में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब यहाँ मलेशिया यही सोच रहा होगा कि पाकिस्तान का साथ देकर उसने अब तक की सबसे बड़ी भूल कर दी है, अब मलेशिया ने आतंकी देश का साथ दिया है तो उसे अब भुगतना पड़ेगा ही। पाकिस्तान पर मलेशिया को इतना ही प्यार आ रहा है तो वो अपना पाम ऑयल पाकिस्तान को दे सकता है। और यहाँ हमारे व्यापारी भाइयों को धन्यवाद देने की जरूरत है, जिन्होंने देश हित को पहले स्थान पर रखा और रातों रात मलेशिया की नींद ही उड़ा दी। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।